थेकडी केरला की एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां आप 2 से 3 दिन में इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं अजीबोगरीब ब्रिज, अंचुरली टनल के लेक व्यू और हैंगिंग ब्रिज के साथ अल्टीमेट लोकेशन, प्रियार लेक पर बोटिंग और अब्राहिम स्पाइस गार्डन को आप स्पाइस प्लांटेशन भी देख सकते हैं। एंड टू इंजॉय एलिफेंट राइड, एलिफेंट जंक्शन जा सकते हैं और यहाँ के कल्चरल शो को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये सब एक्सप्लोर करने के लिए आपको यहाँ 2 नाइट स्टे की जरूरत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थेकडी में सबसे बेस्ट स्टे ऑप्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, थेकडी में हम बात करेंगे एक ऐसी लोकेशन के बारे में जहाँ आपको बहुत ही एंजॉय होने वाला है। थेकडी की स्टे के बारे में हम बात करेंगे। अभी मैं जो हूँ वो है थेकडी की KTDC प्रियार हाउस, जो कि टाइगर रिजर्व सेंचुरी है उसमें स्थित है। जो हमने स्टे किया है वो किया है KTDC प्रियार हाउस में। आपको एक दिखाऊंगा मैं कि कैसे ये रूम्स वगैरह कैसे रहते हैं, या फिर जो पूरा का पूरा जो KTDC PR हाउस कैसा है, क्या क्या यहाँ फैसिलिटीज हैं, क्या क्या यहाँ पर एमिनिटीज है और कैसा आपका स्टे रहने वाला है। तो आप ये देख सकते हैं, ये है टाइगर रिजर्व सेंचुरी जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। तो आप यहाँ पर स्टे को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मेनली जो सारी की सारी लोकेशन है वो 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर कोई 5 किलोमीटर भी है, कोई 10 किलोमीटर भी है, तो इस हिसाब से आपको नज़दीक सारी जो टूरिस्ट लोकेशन है वो मिल जाएंगी इस रिजोर्ट से। और अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो आपको आते टाइम जाते टाइम बहुत सारे जानवर दिखने वाले हैं, हिरन, बंदर, काफ़ी चीज़ें जो आप यहाँ पर आएंगे जाएंगे तो वो आपको दिखने वाले हैं। और मेन चीज़, आप यहाँ पर रहेंगे तो आप नेचर को इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स की आवाज़ आपको सुनती रहती है और जो हरे भरे पेड़ वो भी दिखाई देंगे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर हम रुके हैं वो है KTDC प्रियार हाउस थेकडी, एक जंगल लॉन्च। रूम्स भी हैं, बेसिक रूम्स भी हैं, स्टैंडर्ड रूम्स भी हैं और फैमिली रूम्स भी हैं, और साथ में ही रेस्टोरेंट है और खाना भी बहुत ही टेस्टी है। क्योंकि हमने यहाँ पर 2 दिन का स्टे किया है तो 2 दिन का जो स्टे चार्जेस रहते हैं वो 5,000 रुपीज़ रहते हैं। 5,000 में आपको 2 नाइट्स भी मिल जाएंगी और अलॉन्ग विद आपको ब्रेकफास्ट वो चीज़ मिलेगी। वैसे तो जो नॉर्मली चार्जेस रहते हैं यहाँ पर वो 2,500 रुपीज़ से लेकर 3,500 रुपीज़ तक रहते हैं एक रूम के, लेकिन वो अलग अलग ऑफ मतलब ऑफ बीट टाइम पर या फिर जो पीक सीजन होता है उस टाइम पर फ्लक्चुएट होते रहते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ट्रैवल डेस्क से या फिर इनके जो रिसेप्शन से कंफर्म कर सकते हैं रेट। नॉर्मली जो प्राइस रहते हैं 2 नाइट्स के 5,000 रुपीज़ रहेंगे। अब ये बैक साइड में आप देख सकते हैं, ये है KTDC प्रियार हाउस। इस साइड इसकी एंट्रेंस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या इसका व्यू रहता है। चलिए मेरे साथ, मैं कंप्लीट आपको KTDC प्रियार हाउस दिखाने जा रहा हूँ, जो आप यहाँ पर अपने स्टे के लिए प्रेफर कर सकते हैं थेकडी में। यहाँ पर जो साइन बोर्ड है, और इस रास्ते पर आपको 100 मीटर चलना होता है, और जैसे ही आप 100 मीटर चलेंगे तो ये ब्रिज टाइप आपको दिख जाएगा और सामने ही जो KTDC प्रियार हाउस की ये बिल्डिंग आपको दिख जाएगी। बिल्डिंग से पहले जो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा पार्क बनाया हुआ है, और आपको यहाँ पर पार्क में बहुत सारे झूले और बैठने के लिए आपको चेयर्स टेबल्स वगैरह वो देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी बैठा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइम कोई भी जानवर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड एनिमल को ओपन छोड़ा हुआ है। और आप ये देख सकते हैं कितनी प्यारी यहाँ पर डेकोरेशन है, और मशरूम की शेप में भी यहाँ पर काफ़ी सारी जो डिजाइनिंग की हुई है,
और ये आप फ्रंट साइड देख सकते हैं KTDC प्रियार हाउस की। अब जैसे ही आप यहाँ पर बाहर देखेंगे तो यहीं पर आपको जो है वो पार्किंग देखने को मिल जाती, बिल्कुल ही इस प्रियार हाउस के बाहर आपको पार्किंग देखने को मिल जाती, क्योंकि अगर पार्किंग ये दूर देंगे तो उसमें थोड़ा खतरा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जानवर जो है वो घूमते रहते हैं। और ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया, रिसेप्शन एरिया जो है वो काफ़ी खुला डुला है, तो आप यहाँ पर अगर आएंगे तो रिसेप्शन जो है आपको बिल्कुल ही खुला डुला देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर स्टे के लिए काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं, वो ये हैं कि अगर आप यहाँ पर रूम में रहते हैं तो आप जो है विंडो नहीं खोल सकते क्योंकि वहाँ पर बंदर आ सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप मेन गेट भी नहीं खोल सकते क्योंकि वहाँ पर जो है वाइल्ड एनिमल आ सकते हैं, तो ये खतरा यहाँ पर बिल्कुल बना रहता है। और अगर आप यहाँ पर स्टे करते हैं तो आपको जो है 5 बजे से पहले पहले यहाँ पर आना होता है क्योंकि इवनिंग टाइम में वही जानवरों का जो है वो खतरा रहता है। एक बार हम यहाँ पर जो है 8 बजे आए थे तो ये काफ़ी टेंशन में आ गए थे और बार बार हमें कॉल कर रहे थे और नेटवर्क प्रॉब्लम से वो कॉल नहीं मिली, तो इन्होंने फाइनल डिसीजन लिया था कि पुलिस को फ़ोन करेंगे, लेकिन जैसे ये पुलिस को फ़ोन करने लगे तो उसी टाइम हम यहाँ पर पहुँच गए थे। और ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया, लेवेंडर रेस्टोरेंट। अगर हम बात करें यहाँ पर खाने की तो खाना आपको जो है बहुत ही टेस्टी यहाँ पर मिलने वाला है, और जो प्राइस लिस्ट है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये नहीं है कि आपको ज़्यादा महंगा यहाँ पर खाना मिलेगा, यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ता और बहुत ही टेस्टी खाना मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पर स्टे करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो थ्रिलिंग एंड एडवेंचरस रहने वाला है। अब मैं आपको यहाँ के रूम्स का व्यू दिखा देता हूँ। इसका जो बेसिक रूम है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ही रूम के मैं बाहर खड़ा हूँ, और ये एक बालकोनी है, बालकोनी भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मेरी बैक साइड में पहले देखिए ये है कम्प्लीट जंगल व्यू। आप यहाँ से इस बालकनी से ये जंगल व्यू देख सकते हैं, रात को भी ये बहुत ही अमेजिंग लगता है और दिन में भी आपको बहुत ही शांति देने वाला है। और अब ये देखिए, ये है बालकनी इसकी, ये ऐसे इस तरीके से इन्होंने रूम बनाए हुए हैं, और बिल्कुल ही जो रूम के सामने आप देख सकते हैं ये है पार्क। आप यहाँ पार्क में घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, इवनिंग में मॉर्निंग में आप इजीली यहाँ पर अच्छा एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पर दिखाऊंगा आपको हमारा जो बेसिक रूम है वो कौन सा है। ये है हमारा बेसिक रूम KTDC प्रियार हाउस, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक जंगल लॉज है, उसमें 213 नंबर हमारा रूम है। और जैसे ही रूम में आप एंट्रेंस करते हैं, एंट्री करते हैं, तो ये साइड में आपको लगेज टेबल मिल जाएगी। लगेज टेबल के साथ में आपको ये अलमीरा सामान रखने के लिए वो मिल जाएगी। और जैसे इस साइड आप बिल्कुल ये मेरा के सामने यहाँ पर है, ये मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर है ये वॉशरूम। ये वॉशरूम आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक वॉशरूम है, साफ सफाई अच्छी है यहाँ पर, और जो बेसिक एमिनिटी है वो सारी की सारी है, कोई भी किसी भी तरीके से आपको ये फील होने वाला नहीं है कि बेसिक एमिनिटीज इस जो रूम में नहीं है। अब मैं आपको मेन दिखाने जा रहा हूँ कि जो आगे चल के जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो इस रूम में साइड में आपको ये देखिए, ये है मिरर, तो बिल्कुल ही मिरर आपको दिख जाएगा। और ये है स्टडी टेबल, स्टडी टेबल आप देख सकते हैं, अगर आप इसको एज ए डाइनिंग यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। LED विद डिश TV आपको मिल जाएगा, और ये आप देख सकते हैं ये है किंग साइज बेड, जो दोनों साइड में इसके साइड टेबल भी मिल जाएगी आपको। अगर कोई सामान वगैरह रखना है, कोई भी किसी भी तरीके के आर्टिकल्स आपको रखने हैं तो आप वो कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप ये देख सकते हैं यहाँ विंडोज से भी, बाहर बालकनी से तो थे ही, लेकिन विंडोज से भी आपको यहाँ पर जो जंगल व्यू आने वाला है, ये देखिए ये है कम्प्लीट जंगल व्यू यहाँ रूम से। और एक साइड आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी, ये है एक तरीके से चिल्ड्रन पार्क या चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क, छोटे छोटे झूले वगैरह इसमें लगे हैं, अगर आपके साथ बच्चे आते हैं तो वो यहाँ पर खूब इंजॉय करने वाले हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो प्राइसिंग वगैरह क्या रहती है सारा कुछ, कि KTDC प्रियार हाउस जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक जंगल हाउस है, तो यहाँ पर अगर आपको स्टे करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही मात्र ऑप्शन है, वो है ये KTDC प्रियार हाउस, क्योंकि इसके अलावा कोई भी प्राइवेट अकोमोडेशन यहाँ टाइगर रिजर्व सेंचुरी में नहीं है। और अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो जो इस रूम के प्राइस रहते हैं वो 2500 से 3500 तक फ्लक्चुएट
होते रहते हैं और टाइम टू टाइम जैसे पीक सीजन होता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं और अगर ऑफ सीजन होता है तो उसमें थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन इनके पैकेजेस वगैरह भी चलते रहते हैं, आप इनकी साइट्स पे या फिर इनके जो रिसेप्शन पे मतलब कॉल करके पूछ सकते हैं कि कोई पैकेज वगैरह है। वैसे नॉर्मली जो पैकेज इनका चलता है वो ये है कि टू नाइट्स के लिए आपको 5,000 रुपीज़ में विद ब्रेकफास्ट ये रूम जनरल लॉज मिल जाएगा। और एक चीज़ है कि इस रूम में आपको एसी देखने को नहीं मिलेगा, बेसिक रूम है ये, इसमें एसी देखने को नहीं मिलेगा। उसका भी एक रीज़न है क्योंकि थेकड़ी जो है एक स्मॉल हिली एरिया है और हिली एरिया में ही ये केटीडीसी प्रियार हाउस स्थित है। और दूसरा जो ये केटीडीसी प्रियार हाउस है वो एक जंगल एरिया में है जहाँ पर आपको किसी भी तरीके से कोई भी गर्मी फील होने वाली नहीं है। आपको इवन की रात को भी सिर्फ पंखे में ही आपको रजाई लेनी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर एसी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इन्होंने बेसिक रूम से जो उन्होंने एसी वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा केटीडीसी प्रियार हाउस के बेसिक रूम का वीडियो। तो अगर आप थेकड़ी में आते हैं और सबसे मेन फेवरेट जो टूरिस्ट लोकेशन है टाइगर रिजर्व सेंचुरी वहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टूरिस्ट प्लेस पे या फिर नई किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।